एक बहुत बड़ा प्रश्न पूछने जा रहा हूं। इस संसार में सबसे अधिक सुखी कौन है? अब कोई कहेगा वो व्यक्ति जो सबसे अधिक धनी है, जिसके पास सबसे अधिक धन है, आभूषण है, स्वर्ण है। कोई कहेगा किसी राज्य का राजा, क्योंकि वो शासन कर पाता है, उसके आदेश के बिना कुछ भी नहीं होता, आदि इत्यादि। इसका उत्तर यदि मैं दूं तो मैं इतना ही कहूंगा कि संसार का सबसे सुखी व्यक्ति वो है जो संतुष्ट है, उसके पास संतुष्टि रूपी धन है जो उसको सुखी रखता है। अब ये संतुष्टि ये कैसे आती है जीवन में? ये आती है धैर्य के कारण। धैर्य ये भाव अत्यंत शक्तिशाली, ये धैर्य ही है जो हमारी धरती को धरती माता बनाता है, क्योंकि ये धरती माता धारण करती है, सहती है, धैर्य रखती है और अपना कर्म करती जाती है। ये धैर्य ही था माता सीता में जो रावण का अंत हुआ। ये धैर्य ही था जो नारायण ने कच्छप अवतार धारण किया, एक बड़े से पर्वत को अपने ऊपर धारण किया और समुद्र मंथन संभव करवाया। इसलिए सर्वप्रथम धैर्य को अपने मन में लाए, यही धैर्य आपको संतुष्टि की ओर ले जाएगा और यही संतुष्टि आपको लोभ मोह लालच से दूर ले जाएगी सुख की ओर। और तब ये मन प्रसन्न होकर कहेगा राधे राधे। अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतम गमय। ज्ञान वही जो असत्य से सत्य की ओर लिया, प्रकाश वही जो अंधकार से ज्योत की ओर लिया, जीवन वही जो मृत्यु से अमरत्व की ओर लिया। अब ये तीनों ज्ञान जीवन और प्रकाश एक जैसे शून्य से उत्पन्न होते हैं और धीरे धीरे आपके जीवन का विस्तार करते हैं। अब हम यही सोचेंगे कि कैसे इन तीनों को सहेज के रखा जाए। इसका उत्तर है कि इन्हें सहेजना नहीं, बांटना। किसी वृक्ष को देख लीजिए, एक वृक्ष अनेक वर्षों तक जीवन जीता है। क्यों? क्योंकि वो बांटना जानता है, वो अपने बीज को बांटता है, इस धरा को देता है। वो बीज जो अंकुर बनते हैं एक नए वृक्ष को जन्म देते हैं। केवल बांटने से एक वृक्ष जीवन दान दे पाता है। यदि कोई व्यक्ति ज्ञान बांटना सीख जाए, यदि प्रकाश किरणों को बांटना सीख जाए, कोई व्यक्ति जीवन में सुख बांटना सीख जाए, तो वो मर के भी कभी नहीं मर सकता। इस बांटने का सुख ही कुछ और है। इस सुख को अनुभव कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए।